हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ वीडियो, और दूसरी बात कि आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगियों में। अच्छा, मेरी बात करें तो मैं इतनी लेट क्यों हूँ, क्योंकि मैं हूँ थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट। मुझे आप लोगों की थोड़ा सा मोटिवेट कर रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं भी जहाँ भी आप लोगों को मतलब बेसिकली कमेंट सेक्शन में। फिर मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी जल्दी बना करके आप लोगों से शेयर करूँगी, जिसमें आप लोग मुझे वो भी वहाँ पे भी मोटिवेट करना। उसके बाद में मैं भी करूँगी, बट आप लोग भी करना। तो ऐसे ना ऐसे वो अच्छा एक रिलेशन हो जाएगा, और साथ में जब आप लोग मोटिवेटेड रहोगे फिर आप लोग मुझे करोगे, मैं मोटिवेटेड रहूँगी, मैं आप लोगों को करूँगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है। इसके लिए साथ में मैंने सॉरी बोल दिया ना, सो आई एम रियली रियली सॉरी, लाइक रियली आई एम सॉरी, क्योंकि मैं वीडियोज़ नहीं बना पाई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हूँ, थोड़ा सा बिजी भी थी, तो इसलिए वीडियोज़ नहीं आ पाई हैं। बट अब आई फील कि मैं वीडियोज़ क्रिएट करूँगी और आप लोगों को मिलेगी वीडियोज़। ऐसा नहीं है कि पूरे महीने गायब हो जाऊँगी या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, आई होप सो एंड लाइक आई रियली होप सो। तो चलिए, तो इसीलिए मैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ वापस आई हूँ। अच्छा, धमाकेदार बोलूँ या ना बोलूँ, क्योंकि अभी डर लग रहा है आप लोग गुस्सा मत करना। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये और दूसरी तीसरी कौन सी बात है, जो भी बात है, तो ये वीडियो लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रही हूँ, तो वो भी आप लोग ये देखिए ना, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है समझने में जब मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ। तो उसमें मैं क्या करती हूँ ना, मैं क्योंकि फिर उसमें मैं इन डेप्थ नॉलेज आपको नहीं दे पाती हूँ किसी भी चीज़ की, फिर वो कोई भी चीज़ हो। तो जब मैं इस तरह की लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाती हूँ तो फिर उसमें मैं आप लोगों को इन डेप्थ नॉलेज दे पाती हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा है तो ऐसा क्यों है, अच्छा आप ऐसा माथा पट्टी यूज़ करेंगे राउंड फेस के लिए तो, या फिर स्क्वायर फेस के लिए तो ऐसा क्यों करना चाहिए, क्या आपके एजेस कटआउट दिखेंगे, इस तरह से दिखेगा। तो ये सब चीज़ें मैं इतना नहीं एक्सप्लेन कर पाती, मैं बस आपको ये बता पाती हूँ कि आप माथा पट्टी यूज़ करिए या ना करिए। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि देखिए इसके शॉर्ट्स भी डाल दूँगी, जिनको शॉर्ट्स सूटेबल लगते हैं वो देख लें, लेकिन मैं इसकी लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ से बना रही हूँ कि ताकि ब्रॉडली हर एक को समझ में आए चीज़ें। तो सबसे पहले तो आलिया भट्ट के जो आउटफिट था वो आइवरी कलर में था, तो दिस आइवरी कलर एक ऐसा कलर आता है ना ब्राइडल आउटफिट में, स्पेशली आइवरी कलर, इट कम्स आउट ऐसे स्टैंड्स आउट कहते हैं ना, कि एकदम अलग सा कोई चीज़ लगनी है ना। तो अच्छा देखो, इस तरह का आउटफिट जो है वो हमारी अंकिता लोखंडे ने भी पहना था, तो शी वॉज ऑल्सो लुकिंग डैम गॉर्जियस। एक्चुअली शी इज़ गॉर्जियस, बट देन शी वॉज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल इन दैट आउटफिट, राइट? कौन कौन एग्री करता है कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है। तो क्या होता है ना, अभी ऐसा फ्लरी ऑफ रेड्स एंड पिंक्स एंड मतलब मेरे अभी तो मैं ऐसे स्टेज पे नहीं आई हूँ जिसमें मैं क्या चूज़ करूँगी या नहीं, ऐसा अभी करना भी नहीं है मुझे, बट अभी नहीं करना है, बट कुछ टाइम तो अभी भी, लेकिन अभी भी मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं सच बोलूँ, अभी भी मेरा सभी मन करता है ना कि एक मतलब एक रेड और पिंक ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ख़राब है, बट देन ऐसा कुछ लगता है ना कि आपकी वेडिंग है तो आपको थोड़ा सा स्टैंड आउट करना चाहिए। तो उसके लिए आई फील कि आइवरी कलर जो है ना वो बेस्ट होता है। बहुत सारे गॉर्जियस और अनकन्वेंशनल यूज़ हैं जिससे हम लोग चूज़ कर सकते हैं, बट देन आइवरी उनमें से एक ऐसा ऐसा शेड है या फिर ऐसा कलर है जो एकदम स्टैंड आउट करता है, तो मेरे लिए तो प्रेफरेबल है, मेरे हिसाब से तो ये प्रेफरेबल है। अच्छा, ये चीज़ एक चीज़ और करना चाहूँगी, पता नहीं क्यों, बट ऑन द डे ऑफ द वेडिंग ना मुझे आइवरी कलर थोड़ा सा डिम लगेगा। थोड़ा सा डिम इसलिए लगेगा क्योंकि वेडिंग इज समथिंग वेयर यू नीड टू लुक ग्रेट इन डार्कर कलर, इट विल लुक नाइस, बट दिस आउटफिट लाइक आइवरी कलर या फिर जो भी कलर चूज करते हैं आप, इफ यू आर आप यू आर गोइंग टू बी और इफ यू आर गोइंग टू रिसेंटली मैरी और समथिंग लाइक, मतलब अरे यार समझ जाओ, ठीक है, फिर आपकी शादी होने वाली है तो फिर आप लोग ये कर सकते हो, बल्कि आप लोग चूज़ कर सकते हो, आप लोगों के ऊपर है। बस मेरा एक ही थोड़ा सा मेरा ही है ये, ठीक है, मेरा ही कंसेप्ट है, मैं ही आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो है आइवरी जो है ना, ये अगर रिसेप्शन के लिए आप ये कलर रखते हो तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके लिए, रेदर देन कि आप मेन वेडिंग डे पे कुछ, तो मेन वेडिंग डे पे मैं तो बोलूँगी कि आप कुछ ऐसे ही रखो, रेड एंड पिंक से में से ही कुछ रखो, बिकॉज
यू नो वहाँ वेडिंग डे पे फिर वो चीज़ अच्छी लगती है, बट रिसेप्शन पे अगर आप आइवरी के साथ जाते हो तो आई थिंक इट विल लुक ग्रेट। अच्छा अभी ना रिकॉर्ड करते करते कैसे 5 मिनट बीतने वाले हैं मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, ठीक है। और बाकी जो भी लोग नए थे मेरे चैनल पे, नए आए हैं और आप लोगों को, आप लोग यहाँ तक रुके हैं इसका मतलब आप लोगों को अच्छी लगी है, बाकी जो लोग सुन रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो आई एम रियली रियली ग्रेट टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ। और प्लीज़ जो नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ओके ठीक है, फिर मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।